joga pra trás, gosta e encosta. Abre no break, Fedel, faz pra naquele grupo, minha, aqui que é, tá brincando. DJ do baile te salva a piroca. Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás. Na postinha, 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 postinha. औकात तो नहीं बोलना चाहिए भाई, औकात तुम्हारा बहुत है। पिछली बार क्या बोला? औका तो गाइस देखो, फर्स्ट क्लिप जो था वो जस्ट फॉर फन था। आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और बाकी गाइस देखो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अपडेट के बाद कुछ ऐसे 5 वन टैप हेडशॉट मारने का टेक्निक, जो गाइस अगर आप लोग यूज करोगे ना तो गाइस आप लोग हर एक एनिमी को बोल बोल के वन टैप दे पाओगे। अभी देखो, जैसे आपको नॉर्मली पता ही, अभी रिसेंटली अपडेट आया, तो अपडेट आने के बाद मतलब गेम के अंदर भाई बहुत कुछ चेंज होता है, सेंसिटिविटी चेंज होता है, तो गाइस आप लोगों का हेडशॉट नहीं लगता वन टैप हेडशॉट मारने में। मुझे पता है आप लोग को अभी प्रॉब्लम हो रहा है, बट गाइस तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा कि क्या क्या सेटिंग में आप लोगों को चेंज करना है, ऊपर से गाइस क्या क्या वन टैप हेडशॉट के टेक्निक है, गाइस सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। और गाइस देखो, बैकग्राउंड में जो गेम प्ले है ना भाई, इस बार भाई ओवर पावर हुआ है। मतलब इस सीजन तो मेरा भाई हेडशॉट मारने का मतलब मारना तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो चुका है यार। मेरे को सामने मतलब जो जो प्लेयर आ रहे थे ना मेरे सीएस रैंक में, सामने से मेरे को हैकर बोल रहे थे सभी, और आप लोग बैकग्राउंड क्लिप में नोटिस कर ही पा रहे हो। और अगर आप लोगों को वो सीक्रेट जानना है कि मैं कैसे इतना तगड़ा मतलब हेडशॉट मार रहा हूँ, मतलब बंदे देखने से पहले ही उनको हेडशॉट मार रहा हूँ, तो गाइस आप लोग जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा यार, चैनल पे वीडियो आएगा तो टेंशन मत लो, चैनल को गाइस चलो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है ना, उसे भाई आप लोग ऑन कर दो यार। मुझे पता है यार आप लोगों के पास मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं जाता है यार, आप लोग प्लीज ऑन कर देना पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है। और देखो, जो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, अगर मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन गाइस अगर आप लोगों तक नहीं आता है ना, या फिर वीडियोस का रिकमेंडेशन, तो गाइस आप लोग प्लीज एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, उसके बाद जरूर से प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर देना। और पास में बेल नोटिफिकेशन जो बेल है उसे भी गाइस जरूर से ऑन कर देना। बस गाइस इतना ही स्टेप है। और अभी गाइस चलो, जो मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स से जो जो मतलब ओपी वाला जो वीडियो है अभी गाइस स्टार्ट करते हैं, तो गाइस चलो। सो गाइस जो फर्स्ट नंबर वन टैप हेडशॉट का टेक्निक है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और उसका नाम है कंफ्यूज एंड वन टैप। अब इसमें क्या है, आप लोगों को एनिमी को कंफ्यूज करके वन टैप देना है। जैसे गाइस आप लोग बैकग्राउंड क्लिप में देख ही पा रहे हो, मैं गाइस देखो इस ग्लू वॉल के पीछे, वो सामने वाला जो एनिमी है, सामने वाला जो एनिमी है वो दूसरा ग्लू वॉल के पीछे। अभी गाइस देखो मैं क्या करूंगा, मैं रश के लिए जाऊंगा, ठीक है मैं रश के लिए जाऊंगा, बट मैं देखो मैं दिखा रहा हूं उसको कि मैं लेफ्ट से जाऊंगा बट मैं राइट से चला गया। तो ऐसा करिए गाइस आप लोगों, फिर मतलब राइट से जाके मैं उसको वन टैप दे दिया। तो गाइस आप लोग ऐसा करिए, कंफ्यूज करके मारना है, मतलब सामने वाले एनिमी को पता नहीं होने देना कि आप लोग कौन से डायरेक्शन से आ रहे हो, फिर आके उसको वन टैप दे रहे हो। अब ये गाइस आप लोग मतलब जितना ज्यादा आपका मूवमेंट स्पीड होगा उस पर मतलब डिपेंड करेगा, ये चीज गाइस मूवमेंट स्पीड पे डिपेंड करता है ये वाला वन टैप हेडशॉट। अगर आप लोग को मारना है ना, मतलब मारना सीखना है, तो आप लोग अपना मूवमेंट स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड में देख ही पा रहे हो, मैं कितने इजीली मतलब सामने वाला बंदा सोच रहा है कि मैं राइट से आऊंगा बट मैं लेफ्ट से आके मार दे रहा हूँ, वो बंदा सोच रहा है मैं लेफ्ट से आऊंगा तो मैं राइट से आके मार दे रहा हूँ, तो ये इतना जल्दी मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरा मूवमेंट स्पीड अच्छा इसी वजह से ही कर रहा हूँ ना। सो ये टेक्निक भी आप लोग जरूर से फॉलो कर सकते हो गाइस। मैं ऑल टाइम करता हूँ जब भी मैं सीएस रैंक खेलता हूँ, तो ये वन टाइम हेडशॉट टेक्निक मैं ऑल टाइम यूज करता हूँ, मेरे को बहुत ही ज्यादा ओपी लगता है। बंदा लिटरली कंफ्यूज हो जाता है और वो खुद वन टाइम होके नॉक हो जाता है। और हाँ गाइस देखो, और एक चीज भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो गाइस अपडेट के बाद ना हमारा जो सेंसिटिविटी है वो बहुत बंदे का क्या है, बहुत बंदे को ज्यादा लग रहा है। तो गाइस देखो, अगर आप लोगों को हेडशॉट मारने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपका सेंसिटिविटी फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो आप लोगों को आपका क्या है, आपका 100 सेंसिटिविटी है तो आप लोग उसको कम कर देना, आप लोग उसको 96 या फिर 97 कर देना, और रेड डॉट को भी थोड़ा सा कम कर देना, बस गाइस इतना कर देना। देखना गाइस आप लोगों का मतलब पहले जैसे ही हेडशॉट लगेगा। गाइस देखो, जो सेकंड नंबर टेक्निक है वो है स्विचिंग टेक्निक। अब गाइस देखो, ये टेक्निक ना वन ऑफ द डेंजरस वन टैप टेक्निक में से एक है भाई। लिटरली अगर आप लोग इसमें मास्टर हो गए ना, तो दुनिया के हर एक बंदे को आप लोग इजीली वन टैप दे पाओगे। मतलब देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को स्विचिंग करते करते मतलब वन टैप देना है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई एनिमी वन टैप करता है तो वन टैप मारने के बाद वो ग्लू वॉल लगाता है, या फिर मतलब क्या करता है मतलब रीलोड एंड वन टैप करता है। बट आपको क्या करना है, आप लोगों को एक वन टैप हेडशॉट मारना है, मतलब एक वन टैप आप लोगों को एक फायर करना है, फिर से गाइस
वापस से गन स्विच करके मतलब दूसरा गन से आप लोगों को फिर से वन टैप का ट्राई करना है, फिर वापस से आप लोगों को स्विच करना है। इससे क्या होगा, सामने वाला बंदा अगर आप लोगों को एक शॉट मारेगा तो गाइस उसके बाद आप लोग मतलब कंटिन्यूअस तीन चार शॉट उसको मार ही दोगे और वो बंदा ऐसे ही नॉक हो जाएगा। जैसे कि देखो मैं बैकग्राउंड में खेल रहा हूं, कैसे मैं ओपी तरीके से वन टैप मतलब स्विचिंग करके वन टैप दे रहा हूं। तो गाइस इसमें आप लोग मास्टर हो जाओगे तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगा। और ज्यादातर जो जो तगड़े एकदम हाई लेवल के पीसी प्लेयर है ना, सभी के सभी यही फॉलो करते हैं। मोबाइल में से बहुत सारे बंदे करते हैं, बट अगर आप लोगों को अच्छा खासा इसमें प्रैक्टिस नहीं हुआ, अगर आप लोग का स्विचिंग स्पीड अच्छा नहीं हुआ तो तब गाइस कोई फायदा नहीं है, तब सामने वाला एनिमी आपको इजीली वन टैप देके चला जाएगा। बट अगर आपका स्विचिंग स्पीड अच्छा हुआ और आपका एक्यूरेसी भी अगर अच्छा हुआ तो गाइस ये टेक्निक आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक होगा। गाइस देखो जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो है फर्स्ट फायर टेक्निक, और ये टेक्निक तो लिटरली भाई नॉनस्टॉप भाई के चैनल पे जो भी 4v4 खेलता है ना, मतलब जो जो तगड़े प्लेयर आते हैं 4v4 खेलने के लिए, सभी के सभी यार यही ट्रिक का यूज करते हैं, इसी वजह से उनका ऑल टाइम रेडी मतलब रेडी रेड लगता है। अब देखो सिंपली आप लोग क्या करना है, आप लोग को नू वॉक करना है, ठीक है। सामने वाला बंदा भी मतलब देखेगा कि आप नू वॉक कर रहे हो तो वो गाइस फायर करेगा आपके ऊपर। वो जब भी गाइस आपके ऊपर फायर करेगा तो उसका मिस जाएगा, क्योंकि गाइस देखो आप लोग तो नू वॉक कर रहे हो ना, आप लोग तो जॉयस्टिक घुमा रहे हो तो उसका हेडशॉट नहीं लगेगा। बट वो जब सीधा खड़ा होगा, जब भी वो फर्स्ट फायर करेगा वो तो सीधा खड़ा होगा ना, उसी टाइम ही गाइस आप लोग को हल्का सा ड्रैग करके उसको हेडशॉट दे देना है। बस गाइस बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही इजी स्टेप है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और सही मौके का इंतजार करना है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि बंदा दिखेगा नॉर्मली फायर कर दिए, ऐसा करोगे तो सामने वाला बंदा आपको वन टैप दे देगा। आप लोगों को नू वॉक करना है, वो बंदा भी गाइस आपको मतलब देख के फायर करेगा, जब भी वो फायर करेगा उसका मतलब गोली तो मिस जाएगा, क्योंकि आप मतलब नू वॉक कर रहे हो, मूवमेंट में हो तो उसका मिस जाएगा, और उस टाइम में वो सीधा खड़ा होगा, उसी टाइम में गाइस आप लोग हल्का करके ड्रैग कर देना है और आप लोगों का हेडशॉट लग जाएगा। बस गाइस इतना ही है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा स्टेप है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा यार ये फर्स्ट फायर ट्रिक। तो मैं यूज़ करता हूँ, सभी के सभी प्लेयर ही यूज़ करते हैं, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप भी जरूर से यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगा। और वन टाइम हेडशॉट गाइस आप लोग बोल के दे पाओगे इस टेक्निक के मतलब बाद। इसके बाद गाइस देखो जो फोर्थ नंबर ट्रिक है वो है क्राउच वन टैप हेडशॉट टेक्निक, और ये भी गाइस नॉर्मली वन टैप जैसा ही है, सिर्फ गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोग क्राउच कर जाना है, बैठ के गाइस आप लोग वन टैप हेडशॉट देना है। सिर्फ गाइस आप लोग पहले एम करो, एम करने के बाद नॉर्मली क्राउच करो, क्राउच करने के बाद गाइस आप लोग हल्का सा ड्रैग कर दो, मतलब जैसे आप लोग ड्रैग करते हो जिस हिसाब से बंदा है उस हिसाब से ड्रैग करो, बस गाइस आप लोग का हेडशॉट लग जाएगा। ज्यादा मतलब हेल एंड हेवन डिफरेंस कुछ नहीं है, नॉर्मली ये भी गाइस आप लोग जरूर से यूज कर सकते हो। इसके बाद गाइस देखो जो फिफ्थ नंबर वन टैप हेडशॉट टेक्निक है वो गाइस देखो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, और ये मतलब फ्री स्टाइल टेक्निक है, जब भी मैं फ्री स्टाइल खेलता हूँ तो ये यूज करता हूँ। आप भी अगर अपने दोस्तों के साथ फ्री स्टाइल खेल रहे हो, मतलब कस्टम ये सब खेल रहे हो, तो गाइस जरूर से आप लोग यूज कर सकते हो। इसका नाम है गाइस जंप एंड शूट। गाइस आप लोगों को मतलब वन टैप देने से पहले हल्का सा एक जंप ले लेना है और जंप करके गाइस आप लोगों को शूट कर देना है, अब गाइस देखो मतलब फायर कर देना है। अब आप लोगों ने तो मॉन्टेज में देखा ही होगा, जो जो फ्री स्टाइल मॉन्टेज बनाते हैं, मतलब फायर करने से पहले वो लोग हल्का सा एक जंप ले लेते हैं, फिर जंप लेने के बाद नॉर्मली फायर कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपका जो एम है वो इजीली मतलब हेड पे कनेक्ट हो जाता है। तो वैसे देखो जब भी आप लोग फायर कर रहे हो और फायर करने से पहले एक जंप लो, जंप लेने के बाद नॉर्मली ड्रैग कर दो, तो जंप एंड शूट आप लोग जरूर से कर सकते हो। ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा ओपी टेक्निक है। और गाइस देखो मैं आप लोगों को और एक चीज़ भी बता देता हूँ, अगर कोई बंदा एकदम शॉर्ट रेंज में है ना, शॉर्ट और मीडियम रेंज में अगर है ना, तो गाइस आप लोग रोटेशन ड्रैग का यूज़ करना, और अगर कोई बंदा लॉन्ग रेंज में तो गाइस आप लोग सिंपली स्ट्रेट ड्रैग का यूज़ करना, हल्का करके ड्रैग कर देना, हेडशॉट लग जाएगा। और बाकी गाइस आप लोग का फायर बटन का साइज भी मैटर करता है, फायर बटन का साइज आप लोग 55 रख सकते हो, 50 to 55 रख सकते हो आप लोग, और फायर बटन को गाइस आप लोग नीचे कर देना, एकदम नीचे नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देना, ताकि गाइस आप लोगों को ड्रैग का जो स्पेस है वो ज़्यादा मिलेगा और आप लोग अच्छी तरीके से ड्रैग कर पाओगे। और बाकी गाइस यही कुछ टेक्निक थे, इसका गाइस अगर आप लोगों को पार्ट टू चाहिए तो गाइस फटाफट 10 के लाइक जरूर से करा देना, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से ऑन कर देना। गाइस अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर दो वीडियो को, और गाइस अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो गाइस फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फटाफट मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, 5000 फॉलोअर जल्दी से जल्दी करा दो यार। और गाइस देखो अगर आप लोगों को डेजर्ट ईगल का वन टैप हेडशॉट टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को सीएस रैंक रैंडम प्लेयर के साथ खेल के जीतना है ना, तो गाइस आप लोग फटाफट लेट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय, प्लीज़।